लालची धोखेबाज इंसान, तुम्हें क्या लगता था तुम ये ऊंची हरकतें करके मुझे मेरे ससुराल वालों की निगाहों में गिरा सकोगे? और तुम शादी के फौरन बाद घर छोड़कर आ गई। मैं और क्या करती हूँ? मैं कोहर आंटी ने कैसे कैसे गलत इल्जामात मुझ पर लगाए। एक और फैक्ट्री, दैट्स सच अ ग्रेट न्यूज। बहुत बहुत मुबारक हो मामा। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। उसका इफ्तिताह तुम अपने हाथों से करोगे। माही, तुम और मैं साथ ही चलेंगे, ओके? हाँ बेटा, मैं इसीलिए तो आई हूँ। महानूर के पापा ने फैक्ट्री की खुशी में डिनर और पार्टी रखी है, आप सबने आना है। आंटी, मैं तो अभी से ही आपके साथ चलूंगी। जी राफिया, आपको बहुत मुबारक हो। और अगर हमारी कोई हेल्प चाहिए होगी तो जरूर बताइएगा, खैरत मत बरतिएगा। उमर, तुम जाओ ना, तारिक भाई अकेले होंगे, उनकी कुछ हेल्प कर दो जाके। ठीक है मामा, मैं अभी चला जाता हूँ। ओके जी। और बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम बताओ तुम कैसी? आप बता देती पहले कि आप आ रही हैं तो हम कुछ प्रिपेयर करके रखते ना, तो फिर इतनी खुशी कैसे होती? ये भी है। बैठे मेरे पास। अरे तुम यहाँ बैठे हुए हो? दिल तो लग गया ना आपके नए घर में? दिल लगने की बात कर रहे हो? माशाल्लाह, इतना बड़ा और इतना खूबसूरत घर है, दिल कैसे नहीं लगेगा? लेकिन आशिर, मुझे पुराना घर बहुत याद आता। अम्मी ज्यादा सोचा ना करें, खुश खुश रहो। पड़ोसियों से मिले, मेल जोल बढ़ाए। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं गई थी पड़ोस में, वो है बेगम जमाल, इतनी नफीस खातून है, उनकी छोटी वाली बेटी जो है ना बहुत प्यारी है। मैं सोच रही हूँ कि जरा छान पटक कर लेंगे, और अगर हमारे हिसाब से लड़की अच्छी रही तो रिश्ता टाल। आज घर में इतनी खामोशी क्यों है? मेरी अदीना कहाँ है? अदीना वो अपने कमरे की सेटिंग कर रही है। अच्छा। तुम्हारी बेगम आएगी ना तो इस घर की खुशी रौनक दुपाला हो जाएगी। अम्मी, मैं जब तक आपके लिए घर नहीं बना लेता, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। देखो बेटा, इन हालात में अपना घर बनाना जो है मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह वक्त आएगा, अपना घर भी बना लेंगे। नहीं अम्मी, नहीं, इस बार मैं घर को नसीब या किस्मत पर नहीं छोड़ सकता। प्लीज आप मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं अदीना को जी आप यहाँ अचानक? अरे तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? बगैर बताए आ नहीं सकती क्या? क्यों नहीं, आपका अपना घर है। तो फिर बैठने को नहीं कहोगी? अरे क्यों नहीं आए, बैठे ना प्लीज। ये राफे कहाँ है, नजर नहीं आ रही? जी वो मॉम जो है मार्केट तक गई है किसी काम से, आपके लिए चाय बनवाऊं? अरे नहीं बेटा, रहने दो, वो तो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम लोगों से मिलती चलूँ। भाई तुम लोग तो मेरे अपने हो,
तुम्हारी माँ नहीं हमें अपना समझती वो एक अलग बात है। अब नहीं ताई अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर तुम बताओ, ससुराल से बहुत जल्दी दिल भर गया जो यहाँ नजर आ रही हो। नहीं ताई अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मेरा मामा से काफी बातें करने को दिल चाह रहा था, उनके साथ टाइम स्पेंड करने को दिल चाह रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। उमर तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे, फिर मैंने उन्हें काफी इंसिस्ट किया तो उन्होंने इजाजत दी कि चली जाओ। मॉम और समामा भी आए हुए थे सुबह मेरी तरफ, फिर मैं वापसी में उनके साथ यहाँ आ गई। ये तुम्हारी वही कॉलेज वाली दोस्त है ना? जी। वैसे बेटा सच पूछो तो तुम्हारी माँ से इस हिमाकत की उम्मीद नहीं थी मुझे। भला उसे क्या जरूरत थी तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी ससुराल का रास्ता दिखाने की? अब नहीं था अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। समामा मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरी हर बात उसे मालूम होती है, कुछ छुपा हुआ नहीं है उससे, जबकि मैं अपनी हर बात खुद उससे शेयर करती हूँ। देखो बेटा बुरा मत मानो, दोस्त को दोस्त की हद तक रखो तो ठीक है, पर हर बात मत शेयर किया करो उससे। तुम्हें नहीं पता जमाना आजकल बहुत खराब है। देखो अब ऐसा ना हो कि तुम्हारी दोस्त तुम्हें बीच से निकाल कर तुम्हारे शौहर के साथ अपना टांका फिट कर दे। और बेटा वैसे तो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि दोस्त के शौहर से छुप के शादी कर ली और पता भी नहीं चला। ताई अम्मी, उमर बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा हरगिज भी नहीं। बेटा मर्द की नीयत दूसरी औरत पे कभी भी खराब हो सकती है। ताई अम्मी खुदा को माने, ऐसी कोई बात नहीं है। समामा खुद बहुत अच्छे घर की लड़की है, एक से बढ़कर एक लड़का मिल जाएगा उसे, किसी चीज की कमी नहीं है उसे। ये सब कहने की बातें, और वैसे भी ये तो तुम्हारी माँ का फर्ज था कि तुम्हें बताती, लेकिन मैं तो तुम्हारी ताई हूं ना और तुम्हें अपना समझती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। बेटा कोशिश करो कि अपनी दोस्त को अपनी ससुराल से बहुत दूर रखो। ताई अम्मी छोड़े ना, हम ये क्या बातें लेकर बैठ गए हैं, ये बताए मुझे ताई अब्बू कैसे हैं? हाँ ठीक है, वो भी और बहुत याद करते हैं तुम लोगों को। मैंने सुना है तारिक किसी नई फैक्ट्री का इफ्तिताह कर रहे हैं। जी हाँ भाई, बहुत अच्छे हैं तारिक तो, बड़े खुश नसीब हैं कि मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना हो जाती है। बस ताई अम्मी, अल्लाह का करम है हम सब पे। अब तो आपको चाय पीनी पड़ेगी, अभी बोलकर आती हूँ। तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें अमेरिका ले जाएंगे। जी ताई अम्मी। लेकिन बेटा अच्छी तरह पहले छानबीन कर लेना, ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। अरे नहीं ताई अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ये देखिए ना, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही थी, ये वाली, ये देखें, ये वाली। ये तो घर है किसी का। जी मेरा, मेरे कहने का मतलब था हमारा, मेरा और उमर का। मोइन अंकल है ना, उन्होंने ही अपार्टमेंट खरीदा है वहाँ पे मेरे और उमर के लिए। अरे वाह, तो बहुत खूबसूरत घर है, इसका तो आर्किटेक्चर भी बहुत कमाल का है। खैर ये बताओ जा कब रही हो? ताई अम्मी बहुत जल्द उमर मेरा वीज़ा अप्लाई करने वाला है। चलो बेटा, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हारा जल्द वीज़ा लगाए और तुम जल्द से जल्द जाओ। थैंक यू ताई अम्मी। वो मुझे उमर का फ़ोन आ रहा है, मैं बस दो मिनट में आई। ये बुढ़ा तो हमारी तवक्कात से ज्यादा पैसे वाला निकला है। देख लें, इधर हमें नुकसान पर नुकसान हो रहा है और नई फैक्ट्री लगा ली। उमर, मुझे लगता है कि इस पार्टी को टाइम देना पड़ेगा। ठीक कह रही, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं मानूर के डैड के ऑफिस चला जाता हूँ और किसी बहाने से इनके अकाउंट सेक्शन में घुस जाऊँ। अरे वाह, हाँ मानूर के बंगले के पेपर्स तुमने साइन करवा लिए? आगे भी फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन मामा ये मानूर ने वर्ल्ड टूर की रट लगा लगा कर मेरा दिमाग खराब किया। प्लीज इससे तो जान छुड़ाएं, कोई बहाना सोचें, कुछ तो बताएं। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, इसका भी हल निकाल लेते हैं कोई ना कोई। प्लीज सोचो, बहुत तंग कर रहे हो। Thank you.
आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मेरी फैमिली तुम्हें कहां कहां ढूंढ रही थी और तुम तो इधर छुप के बैठे हुए थे। आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रही? अच्छा तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं नाजिया, तुम भूल गए मुझे? उमर कौन है ये? यार आई डोंट नो कौन पागल है बिना वजह के इल्जाम लगा रही है। लेट्स गो। अच्छा तो ये है तुम्हारा नया शिकार? तुम समझ सकती हो तो समझ जाओ इसे। समझ में आया? जरा संभल के, ये शैतान है शैतान, ये इंसान के रूप में एक शैतान है, तो इससे तुम बच के रहना, याद रखो। भाई लेट्स गो। क्या लेट्स गो? मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अच्छा आदमी नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात? ये शैतान है शैतान, तुम बच लो इससे। मैं तो हंस हंस के पागल हो गई थी। मैंने मिस कर दिया लेकिन। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? यार बहुत सर में दर्द हो रहा है। किसी से कहो मुझे चाय बना। किसी से क्यों कहूँ? मैं खुद आपके लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाकर आती हूँ। मामा गजब, हम लंच कर रहे थे और वो नाजिया रेस्टोरेंट पहुंच। क्या अल्लाह खैर करे, नाजिया वो यहाँ कैसे? मुझे क्या पता, लेकिन यार मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना, वो हम सबको ढूंढती हुई यहाँ तक आई। माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मानूर, मानूर को क्या सब कुछ पता चल गया? मानूर का रिएक्शन क्या था? ऑब्वियसली अपसेट थी और क्या होना, लेकिन मैंने कवर अप कर लिया। मैंने उसे कहा कि ये लड़की पागल है और मुझ पर बिला वजह इल्जाम लगा रही है। वो इस बात पे यकीन नहीं करेगी। तुम ठीक कह रही हो, कुछ तो सोचना पड़ेगा। लगता है कि सुरूर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। तुमने घर आके बहुत गलती की, ऑन द स्पॉट इस मामले को खत्म कर देना चाहिए था। हाँ मामा मुझसे गलती हुई, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना। मेरे साथ मानूर थी और ये परेशान हो रही थी, फिर लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। इट वाज गेटिंग रियली ऑफ। कोई ब्लैकमेलर लड़की है, किसी ने पैसे ऐंठने के लिए ना इस लड़की को हमारे पीछे लगाया। खैर मामा आप फिक्र ना करें, मेरा एक दोस्त है, इज एन एसपी, मैं उसे बताता हूँ, इंशाल्लाह ही सॉल्व करेगा। कोई बदखा जरूर हमारे पीछे, ये दौलत पीना हमारे लिए एक असाब है। तुम फौरन मानूर के वीजे के बंदोबस्त करो, निकलो यहां से। तुम लोग सुख में रहोगे तो कम से कम मैं भी सुख का सांस ले सकूं। तो सुन के टेंशन हो रही है, महनूर ज्यादा परेशान तो नहीं हो गई थी? नहीं मैं क्यों परेशान होंगी, उमर साथ थे ना, इन्होंने सब हैंडल कर लिया था, अब सब ठीक है। शुक्र है। बहुत जबरदस्त यार, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम जानते हो तुम्हारे जैसे लोग पुलिस डिपार्टमेंट्स में कमी है। हाँ ना, इतनी जल्दी तुमने उस लड़की का बायोडाटा निकाल दिया, इट्स लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नहीं नहीं उस बेचारी को छोड़ दो। नहीं नहीं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, उससे तो तुम बेफिक्र रहो। मुझे शक भी था कि ये उसी का काम। हाँ हाँ मुझे आइडिया तो था कि अहमद अंसारी ही होगा। सही, मैं बात करता हूँ। ओके ओके थैंक यू। क्या हुआ उमर, पता चल गया उस लड़की के बारे में? क्या कह रहे थे आपके दोस्त? बिल्कुल पता चल गया, ये मेरा कारोबारी हरीफ है अहमद अंसारी, ये उसकी की गई साजिश, उसी ने इस लड़की को पैसे देकर हमारे पास भेजा। उमर आप खामोशी से और आराम से नहीं बैठेंगे, फौरन एफआईआर दर्ज करवाएं। बेफिक्र रहो, इस अहमद अंसारी को छोड़ दो। थैंक गॉड कि ये मिस्ट्री तो सॉल्व हुई,
वरना कुछ देर पहले तक उस लड़की की बातें ना मेरे दिमाग में गूंज रही थी। माही, मुझ पर कभी शक मत करना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम पर मुझे बेहिसाब ट्रस्ट है। उमर, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे बहुत एतमाद है आप। बस वक्ती तौर पे मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक। मुझे कभी छोड़कर मत जाना माही। I really love you. क्यों सोचते हैं आप ऐसी बातें? डर लगता है। कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू। अरे आशा, तुमने तो कमाल कर दिया यार। गाड़ियों की बड़ी बड़ी कंपनीज ऑनलाइन होती हैं। तुमने तो अपने छोटे से वर्कशॉप की एप्लीकेशन बना के मुझे हैरान कर दिया है। यार कमाल तो ये है कि मेरी बनाई हुई एप्लीकेशन लोग इस्तेमाल करना भी शुरू हो गए। I'm very excited. हाँ, मैं देख रहा हूँ रोज सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। इस ऐप का सबसे ज्यादा फायदा हमारी वर्कशॉप। तुझे एक मजे की बात बता, एक न्यूज चैनल मेरा इंटरव्यू करने आया। हाँ हाँ, संडे स्पेशल पे तुम्हारा इंटरव्यू भी देखा है मैंने। सेलिब्रिटी। अब आशर देख, ये तेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है यार। इंशाल्लाह। बस यार मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया। बस अब मेरी यही कोशिश, यही ख्वाहिश है कि मैं जितना हो सके उस्ताद जावेद के लिए करूँ। उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, मेरे मुश्किल वक्त में वो मेरे साथ थे, उनके बड़े एहसानात हैं मुझे। यार वो तुमसे बहुत खुश है मेरे दोस्त। अब देखो तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी कैसे रंग ला रही है। यार तूने भी मेरा बड़ा साथ दिया यार, थैंक यू सो मच। ओए मासा, कुछ चाय वाय पिलाऊं तुझे? चल आ जा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब इस नई मुश्किल से हम कैसे जान छुड़ाएंगे। माम, कुछ तो हल निकालना पड़ेगा, वैसे ऐसे आज तक कभी नहीं होते। खुद ही हैंडल करेगा इस चीज को। मानूर कहाँ है, क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह करके उसे समझा कर आ। इस तरह से प्रेजेंट फेस रखना भी ना एक मुश्किल काम। अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, बल्कि अपने घर वालों को भी बुला लेगी। तो मुझे क्या पता था कि वो हमारे पीछे इस तरह से आ जाएगी। वैसे बहुत हिम्मत वाली है ये नाजिया, ऐसी लड़कियों से तो हमें बच के ही रहना चाहिए। नाजिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वैसे भी मैंने अपने पीछे कोई सबूत छोड़े नहीं, यहाँ तक कि उसके पास हमारी कोई एक पिक्चर भी नहीं है। सो रिलैक्स। मेरी मानो तो सब कुछ समेट के निकल जाओ यहाँ से। मुझे नाजिया से बहुत डर लग रहा है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मॉम ठीक कह रही हैं ब्रो। अभी नहीं, नॉट नाउ। एक बार और अंकल तारिक से मुझे पैसे ले लेने दें, फिर इस बारे में सोचें। रही बात इस नाजिया की, तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। बड़ी कमजोर सी औरत है, क्या बिगाड़ लेगी हमारा? शी कैन डू नथिंग। और बाय द वे, इससे पहले क्या कभी हम पकड़े गए? नहीं ना। सो जस्ट मिशन पर फोकस करो, ये काम निमट जाए, उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेशन। ऑलराइट। और समामा का क्या होगा? उसे तो नहीं छोड़ सकते, बल्कि ये समझो कि हमारा अगला स्टेशन वही है।